रिएक्शन सुन। ओए मगर आ गई तू फाइनली मोर मोबाइल फाइ गलो। हेलो नमस्ते सो मच मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजरी व्लॉग्स। आप लोग कैसे, होप से भी अच्छे होंगे। तो गाइस बहुत दिन बाद एक बार फिर से आप लोगों के सामने आज का जो ब्लॉग है, मैं आज जा रहा हूँ मेरे सिस्टर के लिए मोबाइल खरीदने के लिए। बहुत दिन से मेरा दिमाग खा रहा था कि मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए, तो फाइनली आज उसको एक मोबाइल खरीद के देने वाला हूँ और मोबाइल MI का ही दूंगा। क्या मोबाइल खरीदने वाला हूँ तो वो देखने के लिए आप लोग देखते रहिए वीडियो को। अभी फिलहाल चलते हैं तिलावारा में MI स्टोर में एंड वहाँ पर जाके उसके लिए एक MI का मोबाइल खरीदने वाला हूँ। देर न करते हुए चलते हैं MI स्टोर पे और मिलते हैं आप लोगों को वहाँ पर। तो चलिए, आप लोगों को तो मेरा जाने मन दिखाई नहीं मैं ग्वाला घर से वापस आने के बाद। तो ये रहा मेरा जाने मन, इसका थोड़ा बीमार बीमार निकला था कुछ दिन पहले, मैंने खरीदा है। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता होगा मैंने स्टोरी डाला था जिस दिन इसको थोड़ा ठीक किया था। तो अभी फिलहाल ये बहुत मस्त चल रहा है, पूरा ठीक हो गया। थोड़ा बहुत बीमारी था इसका, थोड़ा बहुत काम था वो कर लिया मैंने। तो अभी चलते हैं यहाँ से और आप लोगों से मिलते हैं सीधा MI स्टोर पे। सो फाइनली पहुंच चुके हैं MI स्टोर टीलापारा, यहाँ पर पहुंच गए हैं। अभी अंदर चलते हैं और मोबाइल खरीदते हैं अपने बहन के लिए, तो उसकी खुशी को भी कैप्चर करेंगे कैमरे में। तो अभी फिलहाल अंदर चलते हैं और मोबाइल को खरीदते हैं। So here it is the mobile, finally I got this Redmi Note 10S for my sister and she will be happy today. तो मुझे भी थोड़ा खुशी हो रहा है उसके लिए मोबाइल खरीद लिया। बहुत दिनों से मतलब दिमाग खा रहा था मोबाइल चाहिए तो फाइनली आज खरीद ही लिया उसके लिए मोबाइल। सो अभी हो गया सब काम, पैसा वैसा भी दे दिया, अभी घर जाएंगे एंड उसका रिएक्शन कैप्चर करेंगे। उसका रिएक्शन कैसा होगा वो भी मुझे भी देखना है क्योंकि बहुत खुश होगी वो। तो अभी फिलहाल घर चलते हैं और देखते हैं उसका रिएक्शन। हाँ तो रिएक्शन सुन। मैं पागल आ गई तू फाइनली मैं मोबाइल फाइ गलू। तू मुझे जान तू मैं तो जिनके ढूंढने को नो लोग हैं ताकि मैं मारी पहला। ना बोलो आरो। फाइनली পেলাই দে কুচিত তুই কিবা কিবি কৰি বলে নাই না সিমু দে বলে সো দেটস আ রিয়েকশন সি ইজ সো হ্যাপি নাও দে আনবক্সিং কর র র ফালকে র অন কর মোবাইল সুইচ অন কর मोबाइल। सो ये मोबाइल 64 and 6 GB वेरियंट है, रेडमी नोट 10S। बैक में है 64 MP प्राइमरी कैमरा एंड फ्रंट साइड पे 13 MP सेल्फी कैमरा और बाकी दो, एक वाइड एंगल है और एक डेप्थ सेंसर का है और शायद 2 मेगापिक्सल का है, वो अभी मैंने देखा नहीं अभी तक। तो यही है और इसका प्राइस है 15,500। सो इसका कैमरा कैसा है? वाह कैमरा बहुत अच्छा है। चलो कैमरा टेस्टिंग हो गया, कैमरा अच्छा है। चलो इसको इसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए वो है कैमरा, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए मोबाइल में। और ये यहाँ पर एक कवर मिलता है, आजकल तो सभी मोबाइल में मिलता ही है, न्यू मोबाइल में एक फ्री कवर दे ही देता है। और थोड़ा फीचर्स में बताता हूँ, इस मोबाइल का जो प्रोसेसर है वो है हीलियो G90T प्रोसेसर जो गेमिंग प्रोसेसर है और बाकी जो इसका बैटरी है वो 5000 mAh का है एंड इसका जो डिस्प्ले है ये है 6.3 इंच का डिस्प्ले और सुपर एम्यूलेट। तो 15,000 के रेंज पे सुपर एम्यूलेट डिस्प्ले ये बहुत अच्छा लगा मुझे। तो बाकी ओवरऑल मोबाइल बहुत अच्छा है, अभी तो पता नहीं, नया नया खरीदा है, अभी चलाने के बाद पता चलेगा। बाकी दिखने में भी बहुत ही खूबसूरत है ये मोबाइल,
इसका जो चार्जर है यह है 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, तो इतने कम रेंज में 33 वाट का फास्ट चार्जिंग दिया है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इस रेंज में इससे अच्छा और कोई मोबाइल शायद ही होगा, तो मुझे पता नहीं अगर होगा भी तो, लेकिन मेरे नज़र में यही सबसे अच्छा लगा इसलिए मैंने यही खरीद लिया। क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रहा है, 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है, साथ में हीलियो जी 93 का प्रोसेसर मिल रहा है और 64/6 GB का वेरियंट है और 60 मिनट 33 वाट का फास्ट चार्जिंग, बहुत ही खूबसूरत है। 64 MP प्राइमरी कैमरा एंड फ्रंट में है 13 MP सेल्फी कैमरा। तो फिलहाल अभी एक ही काम बचा है और वो है सिम निकालने जाना, और सिम भी निकालूंगा मैं घर में ही निकालूंगा। जी ऑफिस का फोन नंबर है, उनको कॉल करूंगा, उनका लड़का आके घर में आके सिम एक्टिवेट करके दे जाएगा। फिलहाल सिम निकाल लेते हैं, उसको बुलाते हैं कॉल करके। देसी जुगार। सो फाइनली ये रेडी, सिम भी मिल गया, घर पे आके डिलीवरी, आजकल घर पे डिलीवरी देके जाता है। जिनको मैंने कॉल किया था उसको मैंने मिला था वहाँ पर ही जियो स्टोर में, क्योंकि एम आई स्टोर के साइड में जियो स्टोर है, तो वहाँ पर सिम भी एक्टिवेट करते हैं, सिम मिलता है और मोबाइल भी मिलता है, तो वहाँ पर मैं उसको मिला था, उससे बात किया, फिर उसके नंबर दिया उससे एंड उसको घर पे बुला लिया। तो वो लोग बोले थे कि वो लोग कुछ आजकल ऑनलाइन करते हैं, अगर सिम कुछ सिम अगर ऑल्टरनेट करना है, अगर चेंज करना है सिम एयरटेल से जियो कन्वर्ट करना है, और अगर नया सिम चाहिए तो वो लोग घर पे आके आप लोगों को एक्टिवेट करके दे जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मतलब सिस्टम हो गया, अभी घर बैठे बैठे ही सिम भी मिल जाता है। तो और उन लोगों का जो कॉन्टेक्ट नंबर है, लड़के का नाम है अमृत, उसका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सिम निकालना है और अगर सिम कन्वर्ट करना है किसी दूसरे नंबर से, दूसरे कंपनी से जियो पे, तो वो भी करते हैं, तो वो सब आप लोगों को मिल जाएगा घर बैठे बैठे। अगर आप लोगों को करना है तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो फिलहाल सिम मिल गया, अभी 8 घंटे बाद एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी टाइम भी नहीं लगता आजकल, मतलब क्या इंडिया पूरा डिजिटल हो गया है, आजकल दुनिया डिजिटल हो गया है, इंडिया भी डिजिटल हो गया है, तो अच्छा है, बहुत जल्दी जल्दी एक्टिवेट भी हो जाएगा। तो फिलहाल तो यही था आज के ब्लॉक में, और अभी मेरा सारे सामान आ गया, बस एक सामान बाकी आने के लिए, वो कल आ रहा है। वो आने के बाद मेरे चैनल पे आप लोग देख सकेंगे मोटो ब्लॉग, जो मैं भी बहुत दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ मोटो ब्लॉग करने की, तो फाइनली वो भी पॉसिबल हो जाएगा, कल आखिरी चीज आने वाला है। उसके बाद मोबाइल कैसे माउंट करते हैं हेलमेट पे, तो उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। सो स्टे ट्यून, बहुत ही जल्द मोटो ब्लॉग होने वाला है मेरे चैनल पे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें ब्लॉग कैसा लगा, एंड साथ में सब्सक्राइब कर जाएगा नए हैं, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा कर रखें, जो अगले आने वाले वीडियो सुनकर आप लोग को मिल जाए। सो आज का वीडियो साफ करते हैं, मिलते हैं बहुत ज्यादा तक के लिए, कीप सपोर्टिंग सुपर लव, थैंक यू फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब टेक केयर, थैंक यू फॉर वाचिंग, बाय बाय, फाइट।